सर मैं सबसे पहले आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं बोलूंगा तो बीच में मैं आपसे पूछता भी रहूंगा, मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को। और जो मैं बात अगर कोई और पार्टी सबसे बात करना चाहते हैं बीच बीच में तो अपना बोल सकते हैं कि सर मैं आपके सवाल के जवाब में बोलूंगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं आपसे जो मतलब जो मैं चीज यहाँ रखने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से पूछूंगा, जानकारी होगी तो मुझे बताइएगा। और ये सच है कि झूठ है, अब तो मेरे को जो अपडेट मिली है उस अपडेट के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि नीरज गुप्ता जी का नाम सुने हैं आप लोग? कभी कभी मैं इस मंच पर नीरज गुप्ता जी का नाम सुना हूँ। ठीक है सर, सर ओके सर। अब मैं आप लोग को एक हल्का सा वीडियो दिखा देता हूँ शेयर करके, और जरा देख कर बताइएगा इसकी मतलब। चलो पीवीसी सुन लीजिए तब फिर सर। पीवीसी मेटा के रिलेटिव FIR दर्ज हो गई है, और डेनियल जॉनसन जी को हम ढूंढते थे अमेरिका, वो नीरज गुप्ता ही जी हैं, डेनियल जॉनसन। ठीक है सर, सब लोग शॉर्ट हो गए हैं ना? मेरे को जानकारी कल मिला। हेलो सर, ये तो हम लोग सुन रहे हो बहुत दिन से कि नीरज गुप्ता डेनियल जॉनसन है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है कि वही है? नहीं सुनिए, वही तो मैं वीडियो जो लोग सब विदेश में गए थे तो वीडियो की बात नहीं करेंगे सर। वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत फेक बना देता है, कोई भी नहीं कर पाया। वो सबको जब विदेश में गए थे तो उन लोग मिले थे, सबको बोले वीडियो FIR के साथ आई हुई है, कुछ उसमें दो तीन लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी लोग मतलब पूरा हो गया है, और कुछ जमीन की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। इसमें एक पार्टनर थे, उनको जान से मारने के लिए मतलब उन्होंने पूरा लाइव आकर और न्यूज के माध्यम से मतलब FIR मतलब पूरा उन्होंने कितने साल से मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है। ये सर 2018 का प्रोग्राम है, 2015-16 का प्रोग्राम नहीं है, और मतलब पूरा उन्होंने मतलब बना रखी है। और मेघालय से वहाँ CBI का मतलब वहां से मतलब ट्रैकिंग करते 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 तब इन लोग को पकड़ा गया, और उनके पास आज भी FIR पड़ी हुई है। मतलब पूरा अभी भी वो मतलब डाल ही रखे हैं और लड़ रहे हैं, उनका भी मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है, यानी वो जैसे पार्टनर नहीं होते हैं सर। फिर उन्होंने लास्ट में जैसे पत्रकार सवाल जवाब करते हैं तो उन्होंने मतलब ये कहा है कि मतलब सर अभी तक ले उन्होंने जितना बड़ा स्कैम किया है, कई हजार करोड़ लाख का मतलब ये स्कैम है, और प्रधानमंत्री तक को भी इसमें मतलब वहां भी मतलब लेटर लिखा गया है, विभाग को भी लिख गया है, ये आपका ईडी को भी, ईडी ने ही मतलब ये मतलब तमाम जो भी है चीजें। तो मैं इसलिए मैंने कहा सर कि जैसे मेरे को नहीं मालूम था, तो जैसे कल मैंने वीडियो देखा मतलब पूरा न्यूज देते हुए वो उनको जान से मारे हैं तो चोट भी लगी है उन्हें, और पूरा मतलब वो डेट बाई मतलब वो दिखा रहे थे अपना ये फाइल है उनके पास जो जहां जहां थाने में FIR करी गई है, लड़ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता था, तो मैंने इसीलिए पहले सबसे पहले कहा सर मैं अपडेट दूंगा तो इसको पता नहीं सही है कि झूठ है। तो जैसे अब कोई लोग जानते होंगे, आप हम लोग मंच पर हैं तो अलग अलग जगह से लोग हैं या अलग अलग लोगों से मतलब मुलाकात है तो जानकारी होगी तो इस चीज को समझेंगे, यही सब मतलब है सर। आप वीडियो अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, इस समय यूट्यूब पे बहुत वो चल रहा है, वीडियो बहुत वायरल हुआ है। वो छोड़िए, मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान में जो कानून है जी जी, किसी पे आरोप लगने से वो मुजरिम नहीं होता है जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, राइट? जी जी जी, गलत तो मैं नहीं बोल रहा? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है ना। तो अगर उनके ऊपर आरोप लगा होगा, हो सकता है कि डॉक्टर डेनियल ना हो सकता है कि उनके डॉक्टर डेनियल कोई एक व्यक्ति तो किसी भी संस्था को कोई एक नहीं चलाता। जी जी, ठीक है ना। उसके साथ जरूर उसके कुछ सात लोग, दो चार पांच दस होते हैं कि नहीं होते हैं? जी जी, वो उनमें से एक हो, उनके खासम खास हो, या हो सकता है मेन वही हो, है ना। अच्छा, अभी जो सरस्वती मैम कह रही थी कि लोग विदेश गए थे उनसे मिले हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी नहीं, कभी भी कोई किसी से नहीं मिला,
कोई लीडर ये बोल दे कि मैं उनसे मिला हूं, कोई आज तक नहीं मैंने सुना है, क्योंकि एक दो बड़े लीडर भी मेरे संपर्क में रहे हैं, किसी ने नहीं कहा है कि हम उनसे मिले हैं, या हम थाईलैंड गए थे, हम फलाना गए थे, वहां गए थे, हम उनसे मिले हैं, है ना। ये मतलब जहां तक मैं जानता हूं, जितनी मेरी छोटी सी जानकारी, तो ये आरोप उनके ऊपर है तो रहने दीजिए सर, जब आरोप सिद्ध होगा देखा जाएगा। ओ सर, और आतंक भी है कहीं के, मतलब वो उनकी वाइफ है, ये जो नीरज इसकी बात कर रहे हैं उनकी वाइफ है। तो ये जो जो मतलब ये मीडिया को दे रहे हैं वो मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे हम भी उसमें पार्टनर थे शुरू में, हमको मतलब इसमें इन्वॉल्व करके पार्टनर बनाएगी। और उनका तो नीरज गुप्ता का तो अभी तक कोई स्टेटमेंट हमने नहीं कही पड़ा। जी जी मैंने कहा कि इस चीज को जानकारी रहेगी तो आप मतलब जैसे कभी कहीं से जानकारी मिलेगी तो। हाँ जी, ये पार्टनर का नाम क्या है? मैं वीडियो में पूरा फिर से देखते गया, मतलब नीरज गुप्ता का ही नाम आता है। मैं नीरज गुप्ता का ही नाम आता है सर। वो जो थाना सर उसका नाम क्या है? वो तो बहुत सारे बोलते थे कि नीरज गुप्ता मेरे डाउनलाइन में है सर, जो था क्या पागल आदमी, नाम तो अभी पूछे सर। तो वो होगा सर, ऐसा किए होंगे। वो तो बहुत बोलते थे कि मेरे जब फिफ्थ अब डाउनलाइन है नीरज गुप्ता, ठीक है, बहुत कुछ। कौन बोलता? वो जो सर आता था ना उसका नाम क्या है सर? पागल आदमी, बहुत चिल्ला चिल्ली करता है। अरे ऐसे मत बोलिए, किसी को पागल हम लोग थोड़ी बोलते, मुझे नहीं मालूम सर। ओमर सर से भी भिड़ गए थे ना, गब्बर बोलते थे उसको, गब्बर डॉक्टर अजय मोहित, गब्बर गब्बर उसका नाम क्या है? वो आदमी है डॉक्टर अजय मोहित। ऐसा भी दिखाता था।